हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू चैनल माइंड नर्चर और मैं हूं कृष्णा। तो बच्चों, आज हम लोग अपने माइंड को नर्चर करने वाले हैं एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट। क्या है ये मोल कॉन्सेप्ट? 11th क्लास में आते ही आते आपको एक कॉन्सेप्ट का सामना करना पड़ता है, मोल कॉन्सेप्ट। बच्चे बहुत डरते हैं इससे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट इस चैनल में हम लोग सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। कुछ इस तरीके से सीखेंगे कि आपका माइंड नर्चर हो जाएगा। क्लास, मैंने चैनल का नाम इसलिए रखा है माइंड नर्चर। यहाँ पर आपको चीज़ें आएंगी अपने आप से। देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा कि केमिस्ट्री के 11th पार्ट में सबसे पहले चैप्टर में ही मोल कॉन्सेप्ट को दिया गया है। क्लास, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में 11th की 12th की बिना मोल कॉन्सेप्ट, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह हमारा मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। चलो देखते हैं क्या है ये मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग 1 dozen से क्या समझते हो, 1 dozen आप लोग क्विकली कह देंगे 1 dozen मींस 12 एक नंबर है। 1 dozen क्या है? एक नंबर है, 12। हम बड़े इजीली कह देते हैं 1 dozen बनाना दे दो। तो मार्केट में जब जाते हो तो आप ठेली वाला आपको 12 केले दे देगा। आप किसी भी चीज के आगे 1 dozen लगा दोगे अगर, तो वो आपको 12 की क्वांटिटी में वो चीज दे देगा। बचपन से करते आ रहे हो 1 dozen 1 dozen, माइंड में बात फिट हो गई। बट क्लास, केमिस्ट्री में क्या हुआ? इन केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री में जो चीजें हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, दिखती नहीं है। अब जब दिखती नहीं है लेकिन काउंटिंग करनी है हमको, क्या करना है? काउंटिंग करनी है हमको। अलॉय, अलॉय से आप लोग सब वाकिफ होंगे। हम लोग मिक्सिंग करते हैं 2 different मेटल्स को, तो एक हमको एक हाइब्रिड मेटल मिल जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो हम चाहते हैं आयरन के 100 मॉलिक्यूल, आयरन के 100 एटम, कॉपर के 20 एटम, इनको मिक्स करें। तो ये काउंट कैसे करें? जो चीज़ दिख नहीं रही हम लोगों को उसको हम लोग कैसे काउंट करें? ठीक है, ये जो काउंटिंग का पैटर्न है, जैसे कि 1 dozen = 12, तो मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक नंबर है। और हम लोग कहते हैं जो 1 mole है वो 6.022 × 10³³, एक नंबर, जस्ट लाइक 1 dozen। 1 dozen = 12, 1 mole = this। अब हम लोग कहते हैं ना कि मैं कहूंगा 1 dozen ग्रेप्स, 1 dozen बनाना, 1 dozen ऑरेंज। मैं जिस चीज के भी आगे 1 dozen लगाऊंगा मेरे को उस चीज की 12 क्वांटिटी मिल जाएंगी। सेम इसी वे में मैं जब भी किसी चीज के आगे 1 mole लगा दूंगा तो क्लास केमिस्ट्री में मेरे को उस चीज की इतनी क्वांटिटी मिल जाएगी। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, केमिस्ट्री हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। तुम लोग देखोगे पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी होती है, और जब उसकी काउंटिंग की बारी आती है तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग में लेते हैं कि आखिरकार 1 mole इतना ही क्यों, ठीक है, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं। तो इसका कारण क्या है? अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द मास, और कह लो एटॉमिक वेट, ये ज्यादा फैमिलियर वर्ड है, ऑफ ऑक्सीजन, तुम लोग फटाक से कह दोगे सर ये तो हमको आता है 16 ग्राम। ठीक है, मैं कहूँ व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, आप लोगों को सर 1 ग्राम। अच्छा, मेरा अब एक सवाल सबसे, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट 16 ग्राम है या फिर ये कुछ और ही चीज है?
उसी तरह हाइड्रोजन के एक एटम का वेट 1 ग्राम है या फिर कुछ और है? ओके, मुझे पता है बहुत से लोगों ने तुरंत कह दिया होगा सर ये एक एटम का वेट है। क्लास, अगर ये एक एटम का वेट होता तो मैं 16 ग्राम बहुत होता ना, एक तोला 10 ग्राम होता है, गोल्ड लेने जाते हैं 16 ग्राम एक क्वांटिटी है, मैं इसको तौल सकता हूं। अगर ऑक्सीजन के एक एटम का वेट 16 ग्राम होता तो मैं उसको अपनी नजरों के सामने देख सकता। तो आखिरकार क्या है 16 ग्राम? हाइड्रोजन 1 ग्राम, 1 ग्राम तो हम तौल लेते हैं ना, जाते हैं हम लोग 4 ग्राम 5 ग्राम के हम वो लेते हैं, गोल्ड लेते हैं अपना, सिल्वर लेते हैं, 1 ग्राम तो हम लोग तौल सकते हैं। यानी कि ये ग्राम हमको दिखता है, बट एक्चुअल में अगर तुम लोग ये कहोगे कि एक एटम का वेट है तो क्लास दिस इज नॉट द वेट ऑफ 1 एटम, ये एक एटम का वेट नहीं है। ये इसको आप लोग बहुत ही सटीक तरीके से दिमाग में सेट कर लें 100%, ये आप गलती करते हो, ठीक है, इसको 1 एटम का वेट समझने का। तो आखिरकार ये 16 ग्राम है क्या? चलो आओ देखते हैं 16 ग्राम क्या है, 1 ग्राम क्या है। अगर हाइड्रोजन एटम का वेट इतना नहीं है तो व्हाट इज द वेट, एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम? तो मैं तुमसे कहूं कि हाइड्रोजन एटम का एक वेट, अभी मैं बताऊंगा वो कैसे आया, अब तो हमारे पास टेक्निक्स हैं, मशीन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, this, ये पॉइंट है क्लास आगे, ये ग्राम है। चलिए कौन वेट कर सकता है इसको, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 22 जीरो लगा दिया आगे और फिर ये 1 है, ये वैल्यू कैसे आई? तो क्लास रियलिटी ये है, दिस इज द वेट ऑफ 1 एटम, सुनते जाना, दिस इज द वेट ऑफ 1 एटम। इधर देखो, अब एक एटम का वेट ये है, क्या इसको मेजर कर सकते हो? अरे दिखेगा ही नहीं ये, है ना, हवा में मौजूद है, हमको नहीं दिखता। अब लेकिन अगर क्या हो, ओके फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ओके सम वैल्यू और होती है आगे, जस्ट फॉर कन्वीनियंस 3 डिजिट तक लिया है। ये 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके अब 1 एटम, 1, 2 एक और ले लूं, 3 करते 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 मैं इमेजिन करो कि हम लोग भी माइक्रोस्कोपिक हो गए और ऐसे करते 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 तुमने एक एटम लिया तराजू में डाला, दूसरा लिया तराजू में डाला, ओके करते करते तुमने इस ऐसे 6.022 × 10^23 एटम्स हाइड्रोजन के काउंट कर लिए, 6.022 × 10^23 एटम्स हाइड्रोजन के काउंट कर लिए, काउंट क्या कर लिए, तराजू में डाल दिया उसको। और जब तुम इन सब को तराजू में डाल देते हो और इसका वेट देखते हो तो क्या मिलता है क्लास, 1.008, 8 ये थर्ड डिजिट पे आता है तो हम इसको 1 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, 1 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम, ठीक है ना, हम लोग सीधा लिख लेते हैं 1 ग्राम, तो ये जो 1 ग्राम वेट है हम लोग कह रहे हैं एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, ओके सुनते आए हो ऐसा 9th, 10th, ठीक है पढ़ा होगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी होंगी तुम लोगों की, तो ये तुम लोग
सुन चुके होंगे। तो ये एक्चुअली क्लास थोड़ा सा चेंजेस आएंगे यहाँ पर, एटॉमिक वेट ना बोल करके, ओके एटॉमिक वेट बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो मैं बताया था कि 1 dozen = 12 और 1 mole = 6.022 × 10⁻²³। तो एक्चुअल में दिस इज द मोलर एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट्स इक्वल टू 1 ग्राम। मतलब कि मैं कहूंगा कि जब मैं हाइड्रोजन के 6.022 × 10⁻²³ एटम्स वेट करूंगा तो उनका वेट कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा। क्लास समझ लेना, दिस इज नॉट द वेट ऑफ वन एटम। सिमिलरली मोलर एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट्स इक्वल टू 16 ग्राम। क्या मतलब हो गया इसका कि हमने ऑक्सीजन के कितने एटम ले लिए, 6.022। यहां पर कॉमन क्या है, दोनों के हम लोगों ने एटम कितने लिए हैं, 6.022 × 10⁻²³। इसी तरीके से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो वेट है दैट इज मोलर एटॉमिक वेट। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं उन सब का मोलर एटॉमिक, मतलब उन सब को जो हमने उन सब के 6.022 × 10⁻²³ एटम्स को लेकर के वेट कर लिया है और फिर जो वेट निकला है, ठीक है ना, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। यही नंबर क्यों क्लास, देखो हुआ ये एक्चुअली, जब इतने नंबर लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटम सबसे हल्का होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम एक कन्वीनियंट नंबर है, हम लोग 1 ग्राम से शुरू कर लेते हैं, सबसे हल्का है तो उसका 1 ग्राम निकल के आ गया तो हमने इसको डिसाइड कर दिया फिर, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग हर किसी एलिमेंट के इतने इतने एटम लिए और उनके क्या कर लिया, वेट कैलकुलेट कर लिया और पीरियोडिक टेबल हमारी तैयार हो गई है। कुछ बच्चों को दिक्कत ये आती है, बच्चा पूछता है कि ये चीज़ अभी थोड़ी समझ में नहीं आई है, तो देखो इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं डिटेल में। हुआ क्या एक्चुअली, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, जब तुम अगर इतने एटम का वेट 1 ग्राम है तो जब तुम एक एटम का वेट निकालोगे, ठीक है ना, वेट ऑफ 1 एटम, तो क्या करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड कर दोगे, कितने एटम का वेट इतना है, 6.022 × 10⁻²³। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 10⁻²³, और जब इसको डिवाइड करके निकालोगे वैल्यू तो वैल्यू आती है 0.6166। तो यानी कि ये 23 जीरो जब मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा तब जा करके एक एटम का हमारे पास क्या आता है, वेट आता है। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, जब ऑक्सीजन का एक एटम का वेट निकालना है, ठीक है, वेट ऑफ 1 O एटम, तो क्या करेंगे, 16 upon 6.022 × 10⁻²³। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 / 6.022 दैट इज 2.65, ओके लेट्स सी, इट इज 16 / 6.022 ओके × 10⁻²-23। तो हम लोग देख सकते हैं क्लास, ये इसका हम अगर कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों का रेशो निकालें हम लोग तो 2.65 / 0.6166 ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 2 जीरो हटाएंगे यहाँ से तो 265
और डिवाइड बाय 16, एक जीरो और लगा लेंगे तो 166। ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 2650 डिवाइड बाय 166 दैट इज 15.9 अप्रॉक्सीमेट 15.9 यानी कि यह आ गया 16। तो हम लोग ये क्या चीज़ है फिर से समझो इसे, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट, तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो मैं क्या देखता हूँ, हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से लगभग 16 times ज़्यादा भारी है। तो यही है क्लास एक्चुअली, इसको 1 gram ले लिया हमने, फिर इसके ही रेस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को निकालते चले गए, चाहे इस तरीके से समझें या और भी तरीके हैं उसको देखेंगे अभी हम लोग। तो सिंपल अभी हमको दिमाग में क्या चीज़ डालनी है, मोल से बच्चों को डरना नहीं है, मोल एक नंबर है। नंबर क्यों लिया गया, सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक है, ओके, माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से हम उसको काउंट नहीं कर सकते थे। सबसे हल्का एटम हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक नंबर निकल के आया 6.022, मतलब अगर हमें हाइड्रोजन का 1 gram तोलना है तो हम हाइड्रोजन के इतने एटम ले लेंगे, तो वो कितना नाप के देगा हमको, कितना नाप के देगा, 1 gram। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जब हमें 1 mole नापना है या फिर हम कह लें कि 16 gram नापना है तो हमको कितने नंबर लेना पड़ेगा, इतना, ठीक है। तो मोल एक नंबर है, मोल इज अ नंबर, तो मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। हम लोगों को पता चल चुका है एक चीज कि मोल एक नंबर है और इसका यूज हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के बारे में, उनकी क्वांटिटीज को जानने के लिए। और 1 mole किसके बराबर है, 6.022 × 10^23, और यही किसके बराबर हो जाएगा, मोलर एटॉमिक मास या फिर मोलर मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं हम लोग, और सिंपली मोलर मास, ठीक है। और इसी को हम लोग एटम्स कह लें, मास कह लें, इसके लिए कंबाइंड वर्ड हम लोग कई बार इस चीज के लिए, इस क्वांटिटी के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं पार्टिकल। कई सारी बुक्स में तुम लोगों को मिल जाएगा बच्चों कि लिखा होता है कि बताओ कितने पार्टिकल होंगे, जब पार्टिकल की बात करता है तो मतलब वो एक्चुअली इसके बारे में जानना चाह रहा है। आइए उसे क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ हाउ मैनी पार्टिकल्स, ओके, पार्टिकल्स का यूज कर सकता हूं मैं, पार्टिकल्स की जगह पर एटम वर्ड का यूज हो सकता है, ओके, और एटम की जगह पर जैसे क्वेश्चन होगा, सपोज अब मैं इस समय H2O का यूज करूंगा तो हाउ मैनी पार्टिकल्स की जगह पर मैं मॉलिक्यूल्स का, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स का यूज कर सकता हूं मैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.5 mole। तो क्लास ये वैरायटी है क्वेश्चन की, इसी टाइप से आएंगे। तो यहां पर हमको क्या जानना है, सबसे पहले यूनिटरी मेथड, 9th और 10th class में आई थिंक यूनिटरी मेथड सीखा होगा, नहीं सीखा तो इसका एक हिंट देता हूं, यूनिटरी मेथड क्या होता है, व्हाट इज यूनिटरी मेथड, है ना, हम लोग एक का रेट निकालते हैं, एक की वैल्यू निकालते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं से भी, जैसे कि सपोज 12 बनाना इक्वल टू 20 rupees, क्वेश्चन आ जाएगा हाउ, तो देन व्हाट इज द रेट ऑफ 3 बनाना, ओके, तो तुम लोग क्या करते थे, ओके, तुम लोग क्या करते थे, 12 बनाना 20 rupees के, ठीक है 20 rupees के, तो 1 बनाना कितने का होगा, 1 बनाना कितने रुपए का हो जाएगा, 20/12, है ना, तो 3 बनाना कितना हो जाएगा, तो 3 बनाना इक्वल टू 20 × 12 × 3,
ओके, तो हाउ मच? 5 रुपीज। दिस इज द यूनिटरी मेथड। हम एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर जितने के बारे में पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक काम क्लास इसमें और कर सकते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया? 5। देखो इसमें जो मैं तुम लोगों को अब सिखाने जा रहा हूं, जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये वाला जो स्टेप है, दिस, एक बनाना का निकालने वाला जो स्टेप है वो स्टेप ओमिट हो जाएगा, हट जाएगा। समझने जरा गौर से इसको। मैंने क्या किया, देखो जो फैक्ट है, फैक्ट मतलब जो डाटा है, गिवन डाटा, और उसमें कोशिश हमेशा यही करना, ये जो मैं तुम्हें वो एक तरह से ट्रिक कह लो इसको निकालने का तरीका कह लो, जिस चीज को निकालना है ना उस चीज को राइट साइड में रखो। हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है। हमको तो एक चीज तो पता है, 12 केले 20 रुपए के, तो बताओ 3 केले कितने रुपीज के होंगे? हमने बोल दिया X रुपीज की। देखो केले के नीचे केले, रेट के नीचे रेट, ये चीज पक्के से ध्यान रखना। जो चीज पूछिए ये तो हो गया फैक्ट, फैक्ट मतलब डाटा, ये हमको यहां पे कैलकुलेट करना। इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देना हम लोगों को? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो हम लोग कर सकते हैं इसको, 12x = 20 × 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 × 3/12। आंसर अगेन व्हाट? 5। तो ये चीज निश्चित रूप से कह रहा हूं मैं, 99% बच्चा ना इस चीज से बहुत घबराता है, अरे ये क्या कर रहे हैं सर, मतलब, और खासकर नीट में बाय वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल, मतलब मैथमेटिक्स के नाम पे कोई बात नहीं। लेकिन देखो कोशिश करनी है हमको, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे हमको एटलीस्ट 15 क्वेश्चन मिलेंगे फिजिकल के, तो प्रैक्टिस तो करनी है, प्लस बोर्ड एग्जाम है हमारे पास 11-12 दोनों में, तो प्रैक्टिस करनी है हमको। ठीक है, ये वाला स्टेप ओमिट कर सकते हैं, हट जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर सेम चीज लिख लो इसको हिंदी में, नोट डाल करके बड़ा बड़ा कि सेम चीज ऊपर नीचे लिखी जाएगी, लिख लो इसको इस तरीके से, ठीक है ना, भूलोगे नहीं इसको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वरना केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और मोल कॉन्सेप्ट तो मतलब बिल्कुल चैप्टर स्टार्टिंग में तो बहुत इजी है, इसके कुछ पॉइंट्स, मैं सीधा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसको इस समय। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, इसमें नोट कर लें इसको, फिर इस पर आते हैं। सॉरी, ओके, कई सारी चीजें करेंगे हम लोग यहां से अभी। तो अगेन मैंने कहा यूनिटरी मेथड, उसने कहा हाउ मेनी पार्टिकल्स, हमको एक चीज पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल, 6.022 × 10^23, तो 0.5 मोल में कितने होंगे? x पार्टिकल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 × x 6.022 × 10^23 × 0.5। अब क्लास यहां पे एक और चीज सीख लो, जैसे 0.5 है, कुछ बच्चे क्या करेंगे फटाफट 6.022 × 10^23 × 0.5 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं करना ये चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा। अब जरा क्लास 0.5 लिख लो, ये क्या होता है? ये 1/2। अगर तुम इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा आंसर क्या आएगा? 3.011 × 10^23। फिनिश, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ वैल्यूज दे रहा हूं मैं। ठीक है, 0.2 = 1/5, ऐसी वैल्यू आ सकती है। फिर एक वैल्यू आती है हमारे पास 0.25, कितना हो जाएगा ये? 1/4। तो वैल्यूज याद कर लो क्लास, ये चीजें बिल्कुल लर्न कर लेनी है। ये डाटा होता है, जितना ज्यादा इस टाइप के डाटा पे कमांड कर लोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उतने ही ज्यादा आसान हो जाएंगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि हमने पूछा हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स। ठीक है, अब यहीं पे मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, क्या आ जाएगा यहां पर? हाउ मैनी पार्टिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.5 मोल। अब मॉलिक्यूल की जगह अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, मैंने यहां पे अभी किसी के भी बात नहीं की, अब मैं यहां थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेता हूं, 0.5 मोल ऑफ
चलो ले देते फिर से H2O। ओके, क्या हो गया ये? अब यहाँ मैं इस समय कोई भी वैल्यू रखता ना H2O, तो उसके इतने ही पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आने वाले थे। अब क्लास यहाँ पर जरा मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूँ, हाउ मैनी पार्टिकल्स, सेकेंड पार्ट अब मैं पूछ रहा हूँ, सेम चीज़ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन कर दूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स, इन 0.5 मोल ऑफ H2O, इन 0.5 मोल ऑफ H2O। तो अब बच्चा इसको देख के थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है कि ये क्या चीज आ गई है। तो यहां पर देखो कुछ नहीं है, एक बार जरा गौर से देखो, H2O को उठाओ, H और O, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, एक एटम में 10 इन 1 एटम, इन 1 एटम, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल में कितने एटम है, 6.022 × 10³। ओके, तो 0.5 मोल में पहले तो हम पता करेंगे कि एटम कितने हैं, तो देयरफॉर इन 0.5 मोल देयर आर 3.011 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सेम इसी तरीके से ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब जरा गौर से देखो कितने मॉलिक्यूल है, सॉरी ये यहां पर एटम नहीं आएगा, दिस इज इन वन मॉलिक्यूल। ओके, तो एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में क्लास कितने होंगे, सिंपल, अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं रह गई, एक मॉलिक्यूल में इतने थे तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो समझ रहे हो ना, ये लिंकअप कर पा रहे हो किस तरीके से इस डिजिट का यूज हो रहा है, ठीक है, 3.011 × 10³ मॉलिक्यूल्स। ओके, इतना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3.011 × 10³ × 10, इसको सीधा मैं 24 कर दूं। ओके, तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन इसको उल्टा घुमा के भी आ सकता है, कैसे देखते हैं, इसको नोट कर लो, रब करते हैं इसको, फिर ओके, उल्टा करते हैं सेम क्वेश्चन को, कि हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट इन 3.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है ना। और एक ले लेंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी एटम्स ऑफ H, हाउ मैनी एटम्स ऑफ O, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्लास ये सारी वैरायटीज में कवर करवा दे रहा हूँ मैं, यहीं से इसको मिलते जुलते और काम कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो देखते हैं हाउ मैनी मोल्स, मोल्स के लिए हमको फैक्ट डाटा क्या है हमारे पास, कि अगर मेरे पास इतने एटम ले लूँगा मैं, एटम मॉलिक्यूल्स कुछ भी ले लूँगा मैं, तो कितने मोल होंगे ये, 1 मोल, ठीक है। मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं, 3.022 × 10³ पार्टिकल्स हैं, तो इसमें कितने मोल्स होने वाले हैं, x क्रॉस मल्टीप्लाई, और यूनिटी मेथड लगाना है, यूनिटी मेथड लगा लो, जिन लोगों को लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन ये बेस्ट मेथड है, कुछ नहीं करना होता, यूनिटी मेथड में एक का निकालना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10³ × x, दैट्स इक्वल टू 1 × 3.022 × 10³ and x इक्वल टू 3.022 × 10³।
अपॉन 6.022 इंटू 10^23 तो कितना आ गया ये 0.5 देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेम इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन तो सिंपल है, इन वन मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे हमने इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जब इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.022 इंटू 10^23 इंटू 10। अब देखो यहाँ पे जब क्लास बारी आती है तो बच्चा क्या करता है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ एच प्रेजेंट, बच्चा सीधा 2 कर देता है। वो हाउ मैनी एटम्स, यहाँ पे एटम्स की बात कर रहा है, उसने ये नहीं कहा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, उसने कहा इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है। ठीक है ना, यहाँ पर हो सकता है मोल दे देता वो, तो हमको कन्वर्ट करके निकालना पड़ता। तो सिंपल से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, वन मॉलिक्यूल हैज 2H एटम है ना। तो हमारे टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, देयरफॉर 3.022 इंटू 10^23 इंटू 2 एच एटम। ओके, कैलकुलेट कर लेना इसको, हाउ मेनी ओ एटम, कितने मॉलिक्यूल हैं, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ओ होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। इसमें एक छोटा सा और है, वॉल्यूम को लेकर के क्वेश्चन आते हैं तो उसको देखते हैं हम लोग। लेकिन अभी पहले इसको ये देखो कि ये जो नंबर है दिस और ये मोल, अब क्लास मेरी समझ से ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन लगाएं। ओके,